कहानी मैं आपको दोहराना चाह रहा हूँ। मतलब एक बच्चे की मुलाकात शिक्षक से कैसे होती है, वो दिन उस बच्चे के लिए एक अलग होता है। जब वह रोता हुआ रहता है और उसके माँ बाप अपने से दूर करके उसे एक अनजान व्यक्ति के पास भेजते हैं, और सच मानिए दोस्तों, उस दिन वह बच्चा अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा नफरत कर रहा होता है। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। एक रोते हुए बच्चों को उनकी माँ से दूर करने वाली आप थी, और कुछ ही दिनों में उसकी दूसरी माँ बन जाने वाली भी आप थी। उसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाने वाली भी आप थी, और उसे इतने खर्च से डांटने वाली भी आप थी। उस छोटे से बच्चे की पहली क्रश भी आप थी, जब वह सोचता था सारा सब्जेक्ट बस यही मेम्बर है ताकि मैं देखता रह जाऊं। जिंदगी में यह सब कुछ तब तक ठीक चल रहा था जब तक जिंदगी में डर ना था, क्योंकि अब जिंदगी में मैडम की जगह सर ने ले ली थी। जब मैं अपने पापा से ज्यादा आपसे डरता था, मेरे सबसे पहले दुश्मन भी आप थे। जब मेरे दिल में आता था सर कभी स्कूल के बाहर मिलो, मेरे पढ़ने की ख्वाहिश आप थे, मेरे कुछ कुछ कर गुजरने की जज्बा भी आप थे, मेरे सबसे करीब भी आप थे। जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था तो सबसे पहले मैंने आपको ही फोन लगाया था। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने वाले भी आप ही थे। और दोस्तों, उसके बाद हम एक लाइफ के उस स्टेज पे आते हैं जिसे हम ट्वेल्थ स्टार्टिंग करते हैं। फिर क्या, वहां से तो आप सबने पढ़ाई करना ही बंद कर दिया। और अब हम लोग हैं यहाँ एग्रीकल्चर करने आए हैं इस कोचिंग में। मैं यहाँ के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। फिर जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमें कुछ अच्छे और नए अनुभवी शिक्षक मिले, जो मेरे 5 मिनट लेट होने पर मुझे क्लास से बाहर कर देने वाले भी आप थे, और मुझे वक्त की सही अहमियत सिखाने वाले भी आप थे। दूसरों की गलती माफ करना मैंने आपसे ही सीखा है, जब मेरे मोबाइल इस्तेमाल करने पर आपने नजरअंदाज किया है क्लास में। मेरी एग्रीकल्चर की क्लास की रेलगाड़ी को धक्का देने वाले भी आप थे, और इस यात्रा में आई कुछ असुविधा के कारण भी आप ही थे। हमारी छोटी सी नादानी पर देश की संस्कृति याद दिलाने वाले आप ही थे, और मैं जितना बता दे रहा हूँ इससे बाहर नहीं पूछेगा कहने वाले भी आप। आज मैं जहाँ भी खड़ा हूँ मुझे यहाँ खड़ा करने वाले भी आप लोग हैं। मैं आज आप लोगों के लिए 4 लाइन की शायरी पढ़ना चाहता हूँ, जो कुछ इस तरह है। आप हैं तो यह अंजुमन है, आपसे यह अंजुमन है। अंजुमन का मतलब महफिल होता है दोस्तों। आप हैं तो यह अंजुमन है, आपसे यह अंजुमन है। आप हैं तो हमारे अफसाने हैं, हमारी कामयाबियों के किस्से हैं। आप हैं तो एक अजीज मुस्कुराहट है, एक अजीज दरिया दिली है। आप जो रोज रोज ये वक्त से 2 मिनट पहले आ जाते हैं और कायदे के किस्से सुनाते हैं, वही गिनी चुनी पुरानी गलतियों पर पूरी अमानती रौब से चिपके चिल्लाते हैं। आप इतनी मोहब्बत कहाँ से लाते हैं सर, आप इतनी मोहब्बत।